आज हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे दुबई में तीन बेहतरीन जगह सिर्फ और सिर्फ 5 दिरहम में विजिट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप मेट्रो से आ सकते हैं अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है 2 से 3 दिरहम, और अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो 5 से 6 दिरहम लगते हैं। और इनमें आप 3 जगहें घूम सकते हैं, मरीना, JBR और बीच। तो भाई और क्या चाहिए आपको। मरीना में एक नई चीज़ है, वो है करीम की बाइक। करीम की बाइक हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका एक स्टेशन आता है, वहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं। आपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन के ज़रिए जो कोड है, यहाँ पर कोड है, वो स्कैन करना है। तो आपकी साइकिल आपको 45 मिनट्स के लिए मिल जाएगी 10 से 20 दिरहम पर। तो ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है, यानी 45 मिनट बाद आप अपने नियर बाय स्टेशन में इसको दोबारा से पार्क कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो नियर बाय स्टेशन खाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। यू शुड ट्राई वेन एवर यू कम हेयर। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा दुबई मरीना के बारे में कि एक तो यहाँ पे होटल्स भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, और मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं यहाँ पे रहता था, तो तकरीबन एक जो कमरा है मंथली वो 3000 का काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें बिजली के बिल वगैरह इंक्लूड होते थे। उसके अलावा पीछे जो है पानी है और उसके पीछे बिल्डिंग्स हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत स्काईलाइन आपको मिल जाता है। और अभी तो बिल्कुल रश नहीं है, लास्ट ईयर हम आए थे तो मरीना का तो फेमस यही है कि रात को वहाँ पर रश होता है, लेकिन अभी बिल्कुल रश नहीं है। लेकिन कोरोना की वजह से लोग कम हैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा एक चिल माहौल है, सुकून है, शोर नहीं है और हवा भी अच्छी चल रही है। हम लोग जा रहे हैं JBR द वॉक, नींद आंखों में है, उसको मिटाने के लिए पियेंगे कॉफ़ी। बहुत सस्ती कॉफ़ी है यहाँ पे, सिर्फ 2 दिरहम की कॉफ़ी है ये मशीन से, तो 2 कैपेचिनो ले रहे हैं और आगे चलते हैं। शाह हमने डाल ली चीनी और 2 दिरहम के हिसाब से बहुत अच्छी है गाइस। तो भाई देते हैं आपको $1 million बजट है। जब भी आपको बाहर आके कॉफ़ी शॉफी पीनी है तो इस तरह की सुपरमार्केट्स जैसा कि फ्रेश टी है और एक 7-Eleven है, वहाँ से कॉफ़ी पिए या चाय पिए 2 दिरहम में मज़ेदार चाय, और महंगे रेस्टोरेंट के आगे बैठ के पिए ताकि आपका शौक भी पूरा हो। तो अभी हम लोग भी कॉफ़ी लेके जा रहे हैं JBR द वॉक। और हम लोग आ गए हैं JBR द वॉक में, तो आए चलें हमारे साथ। तो हम लोग JBR द वॉक आ गए हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है, तो सिनेमैटिक्स देखते हैं, सिनेमैटिक्स के बाद आपसे बात करते हैं। JBR में काफ़ी ज़्यादा रौनक है क्योंकि मरीना तो बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद हैं, और उसके अलावा कुछ बेंचेस में बैठने दे रहे हैं, कुछ में नहीं बैठने दे रहे, और नीचे वॉक होती है यहाँ पे और ऊपर रिहाइश है। तो ऊपर रिहाइश है और बीच में एक यानी लॉन टाइप बना हुआ है, और वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यानी वैसी हैपनिंग नहीं है जैसे हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन फिर भी मच बेटर देन मरीना।
ओवरऑल ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सुकून दे। यहाँ पर आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। कह दें कि हमारा पाकिस्तान लाहौर का एम एम आलम रोड पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे हर ब्रांड मौजूद है, हर रेस्टोरेंट मौजूद है, हर होटल मौजूद है, जैसा कि रिट्ज़ कार्ल्टन होटल, हिल्टन होटल एंड ऑल्सो मूवनपिक और भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा छोटे छोटे से शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग भी देखने को मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और 5 दिरहम में अगेन बुरी नहीं। और पीछे ही यहाँ पे JBR वॉक में JBR बीच भी है और JBR का फुल फॉर्म है जुमेरा बीच रेजिडेंस। तो बीच दिखाते हैं आपको, सुबह बस होने ही वाली है। तो पीछे मेरे बीच है, JBR बीच, तो काफ़ी अच्छा बीच है। लेकिन ये जो बेड्स और ये जो चेयर्स हैं ये फ्री नहीं है, तो इसके रेट्स हैं, रेट्स आपके सामने 100-200 इस तरह इनके रेट्स हैं। बाकी वॉशरूम्स वगैरह भी हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसके अलावा एक फ्री है, वो आपको मैंने दिखाया, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, लेकिन वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है। तो ओवरऑल लेकिन अच्छा है, काफ़ी लोग जॉगिंग के लिए भी आए हुए हैं। और पीछे रेजिडेंट है और रिहायशी लोगों की रेजिडेंसी है और आगे जो है वो ये समंदर है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आपसे वादा किया था कि मरीना भी दिखाया आपको, JBR भी दिखाया, बीच भी दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं सबसे अच्छी चीज़ लगी आपको। और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें लाइव अपडेट्स के लिए, बिहाइंड द सीन्स के लिए। और इस दुबई सीरीज़ में तकरीबन 1-2 वीडियोज़ रह गई हैं, अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तब भी बताएं, नहीं अच्छी लग रही तब भी बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।